बाप रे बाप, क्या अटक गया है सर। डॉक्टर जरा देखिए ना इसको, अरे खाना खा रही थी, गले में कुछ अटक गया। जरा देखिए ना, बच्चा तो ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए इंदु जी, मैं चेकअप कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो हमने खाना खाया था ना, वो अटक गया था, बाकी हम ठीक है, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी सी बात है ना। अरे बेटा यही छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है, डॉक्टर को चेक करने दो। हम जानते हैं पल्लू कि तू ये जांच कराने के लिए काहे मना कर रही है। रिलैक्स, सीधा लेके डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें ना बहुत एंजाइटी हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तुम तो ऐसे डर रही हो ना, इतना तो इंजेक्शन लेने में एक छोटा बच्चा भी नहीं डरता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं तुम्हारा ऑपरेशन होने जा रहा है। शांति से कराओ ना चेकअप। मम्मी जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम सबको सच सच बताते हैं प्लीज। वल चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो कि इस समय बिल्कुल पायल पर सूट कर रही है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन की। हाय गाइस, मैं हूँ जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। जिस तरीके से सीरियल सुहागन में बिंदिया के चेकअप के लिए डॉक्टर साहिबा को बुलाया जाता है, तो पायल यहाँ पर कहती है कि अब देखना कैसा ही पर्दा फाश होता है। बिंदिया का ट्रीटमेंट कीजिए आप डॉक्टर, जिसके बाद पता चलता है कि बिंदिया तो भाई प्रेग्नेंट है ही नहीं, यानी कि बिंदिया की प्रेगनेंसी का कोई प्रूफ अल्ट्रासाउंड में नहीं देख पा रहा है, सोनोग्राफी उसकी चल रही है, वहां पर कुछ नहीं देखता। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायल की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, उसे अचानक से धसके लग जाते हैं, जिस वजह से इंदु परेशान हो जाती है, यानी कि कृष की मॉम जब परेशान हो जाती है अपनी बहू पायल के लिए, तो वो कहती है अरे डॉक्टर साहब जरा इसको भी चेक कर लीजिए, दरअसल क्या है ना ये भी प्रेग्नेंट है, जरा देख लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है ना। अब यहाँ पर पायल तो आनाकानी करती है, लेकिन डॉक्टर उसका चेकअप करना शुरू कर देती है। पायल ये भी जानती है कि अगर उसका चेकअप हुआ तो ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इससे पहले ही पायल अपना गुनाह जो है कबूल करने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जाने अनजाने में ही सही बिंदिया की चाल कामयाब होने वाली है। बिंदिया तो चलो प्रेग्नेंट है या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, लेकिन पायल प्रेग्नेंट नहीं है वो इस बात का खुलासा खुद करने वाली है। डॉक्टर उसका चेकअप करके रिपोर्ट सच सच ना बता दे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इससे पहले ही वो खुद का खुलासा खुद ही कर देगी। तो भाई यहाँ पर जो है पायल ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।